तो सर 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 चलिए करते हैं इसके ऊपर का अगला सवाल, बराबर। हम क्या देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी है? यू एक्स वाई इक्वल टू यू वाई एक्स होता है इसके। अब हमने एक एग्जांपल लिया, अब हम ये वाला एग्जांपल लेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, इसको लेके हम ये वेरीफाई करना है, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे, आराम से चलेंगे, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, छोटी बड़ी जो भी है, बराबर। ओके सर, समझिए। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, यू जो गिवन है हमें लिख लेते हैं। गिवन क्या है? यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, इसको मैं एक नंबर लेके रखता हूं। अच्छा, ओके, ये वेरीफाई करना है, बराबर। तो यू यू एक्स वाई मतलब क्या होता है? डैबा बाय डैबा एक्स इन डैबा यू बाय डैबा वाई, यही तो होता है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू, हम क्या है, पहले अंदर से बाहर जाते हैं, राइट, पहले y फिर x, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, डैबा मतलब पार्शियल होता है, बराबर। तो करते हैं फिर, u का तो हमें पता है, डैबा u बाय डैबा y x रेस टू y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे डेरिवेटिव का फंडा थोड़ा, डेरिवेटिव के फॉर्मूले सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक दिया होगा, वेबसाइट पर जाइए, ढूंढिए, कोर्सेस अवेलेबल है, वहां पे जाइए, एक्सेस करिए, बराबर। मैं जितना हो सके उतना मैं एक्स डालने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, जितना मुझे पॉसिबल उतना, जितना जरूरी है, बराबर। तो जाइए चेकआउट करिए, ओके सर, समझिए, डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्री जितने भी फॉर्मूले है सब सब लीजिए, ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं, आप डिग्री पढ़ रहे हो, राइट, इंजीनियरिंग बी बीटेक कर रहे हो, तो जितना भी पुराना है ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब जरूरी है फॉर्मूले, बराबर। लेकिन मुझे पता है किसी को कुछ याद नहीं होगा, कुछ गिने चुने बच्चे छोड़कर सब भूल गए हैं क्या होता है, इसलिए मैं वहां पर डाल रहा हूं। अच्छा सर, समझ गए, बराबर। जो भी लिंक वगैरह देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, कहीं पर भी पिंड कॉमेंट में, तो चेक करते रहना, आपको कहीं पर कुछ लिंक तो नहीं है तो वहां पर जाके, क्योंकि कभी कई कई बार क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भूल जाता हूं देना, तो बाद में मैं लिंक पिन कमेंट में देता हूं, पिन्ड कमेंट टॉप में दिखेगा आपको कमेंट, ठीक है, तो वो चेक करते रहना है, ओके ओके सर। तो एक्स रेस टू वाई का मुझे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव लेना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब एक्स को कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा हमें, तो एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल डेरिवेटिव में, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर कॉन्स्टेंट ऊपर वेरिएबल, कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल, तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, ए रेस टू एक्स का, उसका फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो समझ गया है यहां पर ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, समझे, क्योंकि यहां पर x को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, क्यों कांस्टेंट लिया, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y करते वक्त x को कांस्टेंट लेना है, अच्छा, इसलिए ये फॉर्मूला, ओके सर समझ गए। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, a रेस टू x log n, तो यहां पर क्या होगा, a मतलब कांस्टेंट है, a की जगह पे x डालेंगे, राइट, तो और x की जगह पे y है, तो x रेस टू y और ये नीचे वाले का log होता है, तो नीचे वाला कौन है, x है, log x, बात खत्म, ये हो गया, इसका हो गया हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अब उसका क्या करना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, राइट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, राइट, पार्शियली, ओके। तो क्या हो जाएगा, डैबा बाय डैबा एक्स इसका हमें करना है इज इक्वल टू, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बराबर, क्या x रेस टू y कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें x है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल इनटू वेरिएबल है, कोई बाहर नहीं जा सकता डेरिवेटिव के, तो यहां पर एक ही ऑप्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, ये वाला रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u into v, दोनों में से एक अगर कोई कांस्टेंट होता तो उसको मैं डेरिवेटिव के बाहर ले सकता हूं, लेकिन दोनों अगर कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा,
अच्छा सर समझ गए। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये चीज यहां पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या, पहले को रखो दूसरे का लो प्लस दूसरे को रखो पहले का लो, बात खत्म। क्या लो? डेरिवेटिव। अच्छा तो x रेस टू y को एज इट इज रखता हूं, log x का तो फॉर्मूला सारी दुनिया को पता चल गया है, 1 अपॉन x होता है। अब log x को एज इट इज रखता हूं, x रेस टू y का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? अब यहां पे वेरिएबल कौन है? विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है ना, तो वेरिएबल नीचे है और ऊपर कॉन्स्टेंट है। नीचे वेरिएबल और ऊपर कॉन्स्टेंट, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक ही फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो है x रेस टू n, तो n इंटू x रेस टू n माइनस 1 बराबर। तो n की जगह पे यहां पे y है बस, तो y इंटू x रेस टू y माइनस 1, बात खत्म बराबर, हो गया। तो फाइनली मैं इसको थोड़ा इधर उधर करके लिख लेते हैं बराबर। तो यू एक्स वाई फाइनली क्या आ गया हमारा, यू एक्स वाई, ये अगर x ऊपर लेके जाता हूं बराबर, यहां पे कितना है x रेस टू 1 है बराबर, तो हमको एक बात पता है, क्या बात पता है सर, a रेस टू सॉरी क्या लिखता हूं मैं, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n अगर होता है तो a रेस टू m माइनस n ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर वो तो पता है, तो यहां पर x रेस टू y अपॉन x रेस टू u 1 है, तो इसको मैं लिखने की वैसी जरूरत नहीं, लेकिन y माइनस 1 लिख सकता हूं ना, डिनोमिनेटर है x रेस टू y अपॉन x रेस टू 1 है। और यहां पे क्या करते हैं फिर, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, y x रेस टू y माइनस 1 log ऑफ x, एज इट इज लिखा है, बस मैंने यहां पर एक इंडेक्स का रूल अप्लाई किया है, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने एक स्टेप में कुछ करना है तो करा। ओके यहां पर मैं दो नंबर दे देता हूं इसको, स्टेप 1 हो चुका है, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप टू में हमें क्या फाइंड करना होगा, यू एक्स वाई हो गया, यू वाई एक्स, यू वाई एक्स मतलब क्या होता है, डैबा बाय डैबा वाई ऑफ डैबा यू बाय डैबा एक्स। तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा इस साइड में, पहले ब्रैकेट वाला, तो डिफरेंशिएट यू मतलब इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो पहले, तो डैबा यू बाय डैबा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स वेरिएबल ऊपर कॉन्स्टेंट, फिर से यही फॉर्मूला, वाई कॉन्स्टेंट है राइट, एक्स वेरिएबल है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स रेस टू एन का ही आएगा यहां पर, तो वाई इंटू एक्स रेस टू वाई माइनस 1 आएगा। ओके सर समझ गए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या है अभी, वाई पार्शियली, अब ये बार बार पार्शियली पार्शियली लिख के जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, पार्शियली बोला तो भी आपको समझना चाहिए ठीक है, मुझे ज्यादा मैं मेरे लिखने में कोई नहीं है बराबर, आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं बोलना सर ये क्या लिखा है, पार्शियली बोला तो समझना चाहिए, वहां पर पार्शियली लिखा है, जिसको ध्यान दे के जो पढ़ता है देखता है उसको समझ में आता है सब कुछ क्या लिखा है, हैंड राइटिंग कैसा भी हो, वैसे मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है। हाँ सर जानते हैं। ओके डो बाय डैबा वाई डैबा वाई डैबा वाई तो दोनों कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यू यू अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे जो किया था बराबर। तो यू क्या बोलता है, पहले वाई को एज इट इज रखते हैं और डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ एक्स रेस टू वाई माइनस, या फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आप तो समझ सकते हो। अब इसको एज इट इज, इसको डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है राइट, विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो y x कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला बराबर, तो log ऑफ x बराबर x रेस टू y माइनस 1 a रेस टू x इनटू log a मतलब x रेस टू y माइनस इनटू log x, यही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ओके सर समझ गए, प्लस इसको रखा इसका लिया, अब इसको रखना है और इसका लेना है, वाई का क्या होगा रे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा बराबर, कुछ अलग आया क्या, आया क्या सेम, हाँ सेम तो दिख रहा है मुझे अभी, लिखते ये टर्म में पहले लिखता हूं, आप यहां पर एक्स रेस टू वाई माइनस 1 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है, हमको बस सेम दिखाना है, प्लस ये टर्म में लिख रहा हूं, इसको मैं तीन नंबर देता हूं,
फ्रॉम टू एंड थ्री साफ साफ देखिए ये क्या है यू वाई एक्स है। दो और तीन नंबर को देखो दोनों का रिजल्ट सेम है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम टू एंड थ्री यू एक्स वाई और यू वाई एक्स सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। यही तो वेरीफाई करना था, दोनों सेम है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है जगह पे रखे, दिल और दिमाग दोनों चीजें उसमें डाल के काम करने, और बेसिक जो है परफेक्ट होना चाहिए। मैं सारे अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा सारे जितना भी बेसिक के लिए जरूरी है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, लॉगरिदम हो गया, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अगर आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है मेरा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, तो परफेक्ट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले परफेक्ट लीजिए। एम वन एम टू एम थ्री सब में लगने वाला है आपका, एम वन एम टू कुछ यूनिवर्सिटीज में एम थ्री भी एम फोर भी होता है वहां पर, तो ये परफेक्ट अभी कर लो बाद में, क्योंकि ये नहीं होगा तो हर चैप्टर में आपको यार डिफिकल्ट लगेगा सारी चीजें। यहाँ पर किया क्या मैंने, इनडायरेक्टली सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अप्लाई किए। पिछले प्रॉब्लम में साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखा था, वो कहाँ से आया, वो आया ट्रिग्नोमेट्री से। तो हर बार आप डिग्री लेवल पे इंजीनियरिंग करो तो पहले ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो नहीं पढ़ा सकता मैं यहाँ पर अभी, तो मैंने अवेलेबल वैसे भी मैं लेने वाला हूँ फॉर्मूले कैसे कौन से, उस पर हम एक अलग लेक्चर मस्त लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले डेरिवेटिव फॉर्मूले इंटीग्रेशन, उस पर लेक्चर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको पता है ऑलरेडी आपने डिप्लोमा किया होगा या 11th 12th किया होगा, तो वो सारे फॉर्मूले आपको नया नए हैं, लेकिन याद रखना है इतना आपको पता है। और मैंने फॉर्मूले के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, आप चेक करिए, करा तकड़े में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री चेक की, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वगैरह, तो कुछ ट्रिक्स गाने वाने बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से आप याद रखो। जो भी बच्चे सारे मैं डाल दूंगा धीरे धीरे सारे फॉर्मूले, डोंट वरी, लेकिन ये ध्यान में रखना है। ओके, जितने भी लिंक्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई लिंक दिया है, पिंड कॉमेंट में लिंक दिया है, तो वहां पर जाओ, वो फॉर्मूला शीट जो होता है वो डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। ठीक है, ओके सर, समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल।